नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, खुशी का विषय है। सोचता हूँ सबको बधाई दूँ, लेकिन किस बात की बधाई दूँ मैं आपको? जिस देश के 50% मेंबर आप पार्लियामेंट यानी संसद में बैठे हुए लोग क्रिमिनल हैं या दोषी हैं, अपराधी हैं, सीरियस क्राइम कर रखा है, जिस देश के 50% के करीब सांसदों ने, उस बात की बधाई दूं मैं आपको? या जिस देश का मीडिया बिका हुआ है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जिस देश की रैंकिंग 142 है, उस बात की बधाई दूं मैं आपको? या मैं बधाई दूं आपको भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की, जिस देश में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 है, इस बात की बधाई दूं मैं आपको? किस बात की बधाई दूं मैं आपको? जिस देश का 23 करोड़ इंसान डेली भूखे पेट सोता है, इस बात की बधाई चाहते हैं आप? इस बात की बधाई दूं मैं आपको? या जिस देश के गरीबों की आय पिछले 5 साल में 53% घट गई और वो भुखमरी के गगार पे आ गए हैं, इस बात की बधाई चाहते हैं आप? कि जहां पर पिछले 5 सालों में गरीबों की आय 53% घट गई है, इस देश की बधाई दूं, इस बात की बधाई दूं मैं आपको? या इस बात की बधाई दूं कि अडानी की आय पिछले 5 सालों में 261% बढ़ गई है, इस बात की मैं आपको बधाई दूं? किस बात की बधाई दूं मैं आपको? खुशी बहुत होगी आपको। मैं इस बात की बधाई देता हूं कि अगर आप जयशाह होते, अमित शाह के लड़के होते, तो बिना पढ़े लिखे आप BCCI और ACC के सेक्रेटरी बन गए होते, इस बात की बधाई मैं दे सकता हूं। लेकिन मैं क्या इस बात की बधाई दूं कि जिस देश की सरकार ने रात में अपने कमरे में बैठे हुए रेलवे के स्टूडेंटों पर लाठियां बरसाई हैं, उस बात की बधाई दूं मैं आपको? किस बात की बधाई के हकदार हैं हम, और हमारा देश किस तरह का गणतंत्र है? क्या इसी गणतंत्र की कामना की थी हमारे शहीदों ने, जिन्होंने अपनी जान दी इस देश के लिए? इस बात की बधाई दूं कि जिस देश का 53 मिलियन युवा बेरोजगार है, इस बात की बधाई दूं मैं आपको? किस बात की बधाई चाहते हैं? मैंने जब से कल वीडियो देखे रात में बच्चों को मारते हुए, तब से मुझे नींद नहीं आई। मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन कई कारण रहे जिससे मैं रिसर्च कर रहा था, नहीं बना पाया। आप किन बातों की बधाई चाहते हैं और किस मायने में भारत को गणतंत्र समझते हैं? जिस देश में डेली 88 रेप हो जाते हैं, उस देश में गणतंत्र दिवस की बधाई दूं मैं आपको? जिस देश में किसानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, बच्चों को उग्रवादी कहा जाता है, उस देश में गणतंत्र की बधाई दूं मैं आपको? या जिस देश में डेली 28 किसान आत्महत्या कर रहे हो, उस देश में आप बधाई चाहते हैं गणतंत्र दिवस की? खैर, जो भी हो, हमारा गणतंत्र दिवस है, शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करें कि देश गणतंत्र बना रहे। आज मैं बात करूंगा बिहार पर। मैंने बिहार पे बहुत पढ़ा, बिहार के लोगों के बारे में पढ़ा। मैंने जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर इन बिहारियों में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, शेष भारत के लोगों में नहीं है, जो इनके खून में है। कैसे ये टकरा जाते हैं सरकार से, कभी भी हो, सिस्टम से टकराने में देर नहीं लगाते और सिस्टम को घुटने पर बैठने पर मजबूत मजबूर कर देते हैं। आज ये वीडियो उन बिहार के लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने खून बहाया, अपना पसीना बहाया और सरकार को रेलवे एग्जाम्स के लिए उनके घुटनों पर आगे खड़ा कर दिया। तो आज मैं बात करूंगा मुख्य रूप से बिहार की। आज आपको पता है, आज गणतंत्र दिवस है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला गणतंत्र देश कौन था, पहली दुनिया की संसद कौन थी? जानना चाहेंगे? दुनिया का पहला गणतंत्र जो राज्य था उस समय, वो था वैशाली। लिच्छवी वंश की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, जो कि बिहार में है। वो दुनिया की पहला लोकतंत्र था जिसको आप मनाते हैं। जब दुनिया लोकतंत्र का नाम नहीं जानती थी, दुनिया गणतंत्र का नाम नहीं जानती थी, उस समय दुनिया का पहला गणतंत्र बना था वैशाली। आपको पता है दुनिया की पहली संसद कौन थी? दुनिया की पहली संसद थी वैशाली, जिसमें 7,777 सदस्य हुआ करते थे। आपने सुना होगा आम्रपाली का नाम, वैशाली की नगर वधु एक कहानी लिखी गई थी, वो वहीं पर है।
मैं आज विशेष रूप से बिहार की बात करूंगा। आपको पता, बौद्ध धर्म का जहां जन्म हुआ, बौद्ध धर्म जिस मिट्टी में पैदा हुआ, वो मिट्टी बिहार की थी। आपको पता है, जिस जहां पर आजादी की लड़ाई की पहली गोली चली थी, वो राज्य बिहार था। बैरकपुर उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था, आज बंगाल में है। मंगल पांडे ने पहली आजादी की गोली चलाई बिहार के अंदर। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी बिहार के अंदर, नालंदा। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी देने का काम किया बिहार की मिट्टी ने। भारत में जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, चाणक्य, चाणक्य को पैदा किया बिहार की मिट्टी ने। ऐसे ही इतनी गर्मी नहीं है बिहार के खून में, बिहार का इतिहास बहुत गौरवमयी रहा। महावीर जिस मिट्टी के गर्भ में पैदा हुए और आगे चल के जैन धर्म को चलाया, वो मिट्टी भी बिहार की है जिसमें वो पैदा हुए थे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि को पैदा किया बिहार की मिट्टी ने। ऐसे ऋषियों को पैदा किया बिहार की मिट्टियों में। ज्ञानियों का देश था संसार में, वहां से ज्यादा कहीं ज्ञानी नहीं थे, लेकिन आज उसको पिछड़ा हुआ घोषित किया गया उनमें। लेकिन जो जज्बा है, शायद हम में भी होता। बिहार की कोख से जन्म लिया है वात्सायन ने। कामसूत्र किताब का नाम आपने पढ़ा होगा, कामशत्रु को लिखा था वात्सायन, और वात्सायन भी पैदा हुए कहाँ? बिहार की धरती पर। बिहार की धरती पर दुनिया में सर्जरी को जन्म देने वाले पहले चिकित्सक पैदा हुए, सुश्रुत बिहार की धरती पर पैदा हुए। बिहार की धरती पर हिंदू धर्म का पहला मंदिर स्थित है, बिहार की धरती पर। भारत को भारत जिसने बनाया, वो सम्राट पैदा हुआ बिहार में। भारत को भारत बनाने का काम किया अशोक ने, मौर्य वंश के अशोक ने, वो भी बिहार से थे। शून्य को जिसने पैदा किया, उसको भी पैदा किया बिहार की धरती ने, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज की, लेकिन आर्यभट्ट को पैदा किया था बिहार की धरती ने। जिस मिट्टी का दिया हुआ अशोक चक्र आज तिरंगे में मौजूद है, वो धरती भी बिहार की है जहां से अशोक चक्र आया। भारत का एकमात्र राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्हें भी पैदा किया बिहार की धरती ने। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी पैदा किया बिहार की धरती ने। सिखों के अंतिम गुरु, दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह को जिस धरती ने पैदा किया, वो धरती भी बिहार की धरती है। ये धरती महान है, ये महान महान लोगों को पैदा करती है। अन्याय के खिलाफ जो टकराने की ताकत है, वो शायद मुझे नहीं लगता बिहार से ज़्यादा किसी के पास हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैंने देखा। आज जो यूपीएससी का टॉपर है, वो भी बिहार का है। क्या आप मुझे कमेंट में नाम लिख के बताएंगे कि यूपीएससी का टॉपर कौन है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बिहार के दोस्तों, भाइयों और सभी जितने भी स्टूडेंट ने, वो चाहे इलाहाबाद के स्टूडेंट रहे हों, जिन्होंने भी आवाज़ उठाई, उनको ये वीडियो समर्पित किया है मैंने। उम्मीद है कि ये वीडियो आप उन सब तक पहुंचा देंगे जिनके लिए मैंने बनाया है। बस आज मुझे इतना ही कहना था। तकलीफ़ है लेकिन खुशी है, आपकी लड़ाई देखकर हमें भी जज्बा आता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।